हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम IDM के एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। जो IDM का एक्सटेंशन होता है इस जगह पे, वो हमें इधर कैसे लेकर आना है और अपने गूगल क्रोम में किस तरह से ऐड करना है। तो चूँकि आपको किसी भी जगह से वीडियो डाउनलोड करनी होती है या कोई भी एनीथिंग सॉफ्टवेयर या कोई डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड करती है तो वो काफ़ी स्लो होता है। तो IDM के साथ लास्ट वीडियो में बताया था कि IDM कैसे इंस्टॉल करना है। इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे हमें एक्सटेंशन ऐड करना है। तो मैं वो चेक करवा दूँ, मेरे पास एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है IDM का। तो ये कुछ 4-5 मेरे पास एक्सटेंशन हैं, तो इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। PC ओपन करते हैं और लोकल ड्राइव C में जाएंगे और ये 86 बिट पर होगी IDM, ये फोल्डर। और इधर से हमें IDM CRX वाली फाइल उठानी है। लेट मी शो यू, मैं नेम भी इधर मेंशन कर देता हूँ। हेयर इज दी फाइल, और एक बड़ी भी करके दिखा रहा हूँ। ये है IDM GCEXT CRXE फाइल है। एक तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ और साथ में विंडो ले जाता हूँ, इसको भी छोटी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फाइल उठाऊँगा और इधर मूव करूँगा। तो कुछ आपको इस तरह किस्म का ऑप्शन देगा कि ऐड IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल, तो ऐड एक्सटेंशन करें। डेट्स ऑल, इतना ही काम करना है। गूगल क्रोम में आपकी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। एक दफ़ा गूगल क्रोम को क्लोज कर लें, एक दफ़ा अगेन ओपन कर लें। अभी आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और किसी भी वीडियोज़ को लेट मी एनेबल माई इंटरनेट। तो अभी के लिए मैं कोई भी जिससे वीडियो उठा रहा हूँ, जैसे कि ये तर कोई मुझे मिल जाए, मैं लेट मी मैं ये वाले उठा रहा हूँ वीडियो और इसके ऑडियो पॉज कर देता हूँ। तो देखिए, मैं टॉप क्लास पे ये डाउनलोड दिस वीडियो आ रहा है और हमें ये चीज़ चाहिए थी और ये वीडियो डाउनलोड भी करेगा। तो लेट मी 720p 60fps पे जाते हैं और स्टार्ट डाउनलोड करते हैं। ये काम वर्किंग स्टार्ट कर रहा है। डेट्स ऑल, इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह गूगल क्रोम में अपने एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किस्म का आपको इशू फेस आ रहा है तो लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व योर इशू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।